दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम मैडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर के बाहर हलचल होती हुई देखकर तुरंत बाहर आ जाती है। यहाँ गैरी नाम का एक सरकारी कर्मचारी मैडी की कार सीज करने आया था जिसे वो अपने साथ ले जा रहा था। ये देखकर मैडी गैरी के पास आती है और उसे कार ले जाने से मना करती है, लेकिन जब गैरी नहीं मानता तो वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड गैरी को अपनी अदाओं से उलझाने लगती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, क्योंकि यही कार मैडी की इनकम का जरिया थी जिसे वो चलाकर पैसे कमाती थी और घर का लोन भी भरती थी। गैरी मैडी की बातों में आ ही रहा था कि तभी मैडी के घर के बाहर एक अंडरवियर पहना आदमी आता है, जिसे देखकर मैडी कहती है कि ये तो मेरा कजन है। लेकिन तभी ये आदमी मैडी के पास आकर उसके ब्रेस्ट को हाथ लगाने लगता है। ये देखकर गैरी को समझ में आ जाता है और वो मैडी की कार लेकर यहाँ से चला जाता है। मैडी कार के बिना स्केटिंग करते हुए काम पर जा रही होती है, तभी उसे अपनी कार दिखाई देती है जिसमे मैडी जल्दी से जाकर बैठ जाती है और कार ले जाने लगती है, लेकिन रस्सी से बंधी होने के कारण कार आगे नहीं बढ़ती और गैरी आकर फिर से कार छीन लेता है। मैडी अपने दोस्त के पास जाकर उन्हें अपनी कार के बारे में बताती है। सारा मैडी को एक ऐड दिखाती है जिसमें एक अमीर बाप अपने 19 साल के बेटे के लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा था। जो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड बनेगी उसे कार गिफ्ट देने का वादा किया गया था। मैडी उम्र में बड़ी थी लेकिन कार के लालच में वो लड़के के घर चली जाती है। लड़के के पेरेंट्स मैडी को बताते हैं कि हमारा बेटा 19 साल का है, वो ना तो स्कूल में किसी से बोलता है और ना ही उसके दोस्त वगैरह है, बस घर में ही मोबाइल चलाता रहता है। हम चाहते हैं कि वो दूसरे लड़कियों की तरह तेज और चालाक बने। पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, उसे चालाक बनाना है। ये सब सुनने के बाद मैडी को समझ में आ जाता है कि उसे पर्सी को कैसे तेज बनाना है। मैडी कार के लिए पर्सी के साथ इंटीमेट होने के लिए भी तैयार हो जाती है। मैडी प्लान को आगे बढ़ाती है और अपने दोस्त की कार लेकर पर्सी से मिलने एक शॉप में जाती है। यहाँ मैडी ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो डॉग खरीदने आई है, लेकिन असल में वो पर्सी को अट्रैक्ट करना चाहती थी। मैडी पर्सी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन पर्सी कोई खास ध्यान नहीं देता, इसलिए मैडी पर्सी को अपना फिगर दिखाती है और उसे अट्रैक्ट करने के लिए अजीब अजीब सी हरकतें करती है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता, बल्कि पर्सी मैडी को इतना करीब देख नर्वस होने लगता है और यहाँ से घर जाने के लिए कहता है। इस पर मैडी कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, लेकिन पर्सी मैडी के साथ जाना नहीं चाहता था। बट जब मैडी पर्सी को साइकिल नहीं देती तो मजबूरन पर्सी को मैडी के साथ ही जाना पड़ता है। रास्ते में मैडी पर्सी से मजाक में कहती है कि मैं तुम्हें किडनैप करके ले जा रही हूँ। उसके बाद मैडी पर्सी को उसके घर छोड़ने के बजाय गाड़ी को अपने घर की तरफ मोड़ लेती है। पर्सी जब गाड़ी के पीछे नजर घुमाता है तो पीछे काफी सारे टूल्स वगैरह रखे होते हैं। ये देखकर पर्सी बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मैडी सच में उसे किडनैप ही कर रही है। इसलिए जैसे ही गाड़ी रुकती है तो पर्सी मैडी के मुंह पर पेपर स्प्रे छिड़क देता है। ये देखकर मैडी गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती थी, किडनैप की बात तो मैंने मजाक में कही थी। ये सुनकर पर्सी शांत हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए पर्सी मैडी का मुंह धुलाने के लिए पाइप ले आता है और मैडी के ऊपर पाइप से पानी डालने लगता है। पर्सी मैडी के साथ शाम को डेट पर चलने के लिए राजी हो जाता है और फिर यहाँ से चला जाता है। शाम को मैडी क्लब में पर्सी का वेट कर रही होती है कि तभी पर्सी ब्लेजर के साथ शर्ट नेकर पहनकर यहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। लेकिन इस लुक के लिए मैडी पर्सी की तारीफ करती है और पर्सी के लिए ड्रिंक ऑर्डर करती है। हालांकि पर्सी ड्रिंक नहीं करता लेकिन मैडी जबरदस्ती उसे ड्रिंक पिला देती है। इतने में यहाँ पर मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और पर्सी को अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाकर उसे जलाने लगता है। मैडी पर्सी को लेकर बीच पर आ जाती है और यहाँ पर्सी के कपड़े उतारकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन पर्सी शर्मीला लड़का जब कपड़े उतारने से मना करता है तो मैडी अपने कपड़े उतारकर पानी में चली जाती है। इसे देखकर पर्सी के भी अरमान थोड़े थोड़े जाग उठते हैं और वो भी कपड़े उतारकर पानी में चला जाता है। इससे पहले कि कुछ हो पाता, कुछ लड़के लड़कियां यहाँ पर आकर इनके कपड़े उठा लेते हैं। मैडी बिना कपड़ों के ही बाहर इन्हें आके सबक सिखाती है और फिर से पानी में पर्सी के पास चली जाती है, लेकिन पर्सी मैडी के साथ इंटीमेट होने से मना कर देता है। गुस्से में मैडी जब कपड़े पहनकर कार में जाती है तो पर्सी से सॉरी कहने के लिए इसके पीछे जाता है और सॉरी कहता है। पुलिस वाले जब बिना कपड़ों के पर्सी को कार पर ऐसे चिपका हुआ देखते हैं तो इन्हें फॉलो करने लगते हैं। पुलिस को पीछे देखकर मैडी कार और तेजी से भगाती है और पर्सी को लेकर अपने घर पे आ जाती है। यहाँ मैडी पर्सी को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मैडी पर्सी से अपने हिप्स पर थप्पड़ मारने के लिए कहती है, लेकिन पर्सी तो किकी मार देता है। इसके बाद मैडी पर्सी की गोद में बैठ जाती है और इसके अरमान जगाने लगती है, लेकिन पर्सी इसका वजन सह नहीं पाता, इसलिए मैडी पर्सी को अपनी गोद में बैठा लेती है और इसी बीच पर्सी अपनी पीठ पर खुजाता है और जब मैडी देखती है तो पर्सी के बैग पर काफी सारे दाने हो गए थे जिन पर मैडी दवाई वगैरह लगाती है और दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली बातें करते हैं। पर्सी बताता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं कभी भी घर से दूर नहीं गया हूँ। मैडी भी बताती है कि मैं घर से सिर्फ एक ही बार दूर गई हूँ क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ठीक न होने की वजह से मुझे घर पर रहकर उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। इमोशनली बातचीत के दौरान दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है। इसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, घूमने जाते हैं, ढेर सारी फन एक्टिविटीज करते हैं।
ऐसी एक दिन पर्सी मैडी को फिंगर ट्रैप देता है जिससे दोनों के फिंगर्स चिपक जाती है। इसी बीच पर्सी थोड़ा मूड में आ जाता है और मैडी को किस कर लेता है। पर्सी ने पहली बार किसी लड़की को किस किया था इसलिए वो बहुत खुश था। रात को पर्सी मैडी को लेकर डिनर पर जाता है जहाँ पर्सी को अपनी फैमिली फ्रेंड नतालिया मिल जाती है। मैडी जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला था उसी में नतालिया भी जाने वाली थी। नतालिया के घर में बैचलर पार्टी थी जिसमें नतालिया पर्सी को आने के लिए कहती है। इन दोनों को साथ में देखकर मैडी को बहुत बुरा लगता है इसलिए वो पर्सी से कहती है कि वो यहां सिर्फ गर्मियों तक है फिर वो दूर चली जाएगी। मैडी के दूर जाने की बात सुनकर पर्सी गुस्सा हो जाता है और यहां से नतालिया की बैचलर पार्टी में जाने लगता है। मैडी पर्सी को रोकने की उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन पर्सी मैडी की एक बात नहीं सुनता और बैचलर पार्टी में चला जाता है। पर्सी का पीछा करती हुई मैडी यहाँ पे आ जाती है। यहाँ जब बच्चे खुद से ज्यादा उम्र के मैडी को देखते हैं तो उसका खूब मजाक बनाते हैं वीडियो बनाते हैं लेकिन मैडी इन सबको इग्नोर करके पर्सी को ढूंढने लगती है। और जब उसे पता चलता है कि पर्सी रूम में है तो मैडी दरवाजा नॉक करती है लेकिन दरवाजा न खुलने पर मैडी दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है जहाँ नतालिया और पर्सी दोनों बेड पर एक साथ होते हैं। मैडी पहले तो दोनों को भला बुरा कहती है और फिर पर्सी का नशा उतारने के लिए उसे वॉमिट कराती है। इतनी देर में यहाँ एक आदमी आकर मैडी पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो पार्टी में बिना इनविटेशन ही आ गई थी। ये देखकर पर्सी को बहुत गुस्सा आता है और वो जैसे ही इस आदमी को पंच मारता है वो मैडी को लग जाता है। इसके बाद दोनों घर आने लगते हैं। रास्ते में पर्सी मैडी से सॉरी बोलता है और साथ ही उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है। ये सुनकर मैडी भी इंटीमेट होने के लिए रेडी हो जाती है लेकिन जब वो देखती है कि पर्सी अभी नशे की हालत में है तो वो इंटीमेट होने से मना कर देती है और कल इंटीमेट होने के लिए कहती है। कल की सुनकर पर्सी भी ज्यादा जिद नहीं करता और मैडी की गोद में सर रखकर लेट जाता है। सुबह होती है और हम पर्सी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि आज वो पहली बार मैडी के साथ इंटीमेट होने वाला था। पर्सी अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लूंगा क्योंकि मुझे यहाँ मैडी नाम की एक लड़की मिल गई है जिसके साथ मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर पेरेंट्स काफी टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सिटी भेजने के लिए ही पर्सी को चालाक बनाना चाहते थे और अब पर्सी यूनिवर्सिटी जाने से ही मना कर रहा था। पर्सी जैसे ही बाहर आता है वैसे ही पर्सी के पेरेंट्स मैडी को कॉल कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पर्सी को यूनिवर्सिटी जाने के लिए राजी करना ही होगा। इस सारी बातें पर्सी भी कार में मौजूद टेक्नोलॉजी की मदद से सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि मैडी को उसके पेरेंट्स ने ही भेजा था और मैडी कार के लालच में ये सब कर रही थी। ये सब सुनने के बाद पर्सी को बहुत बुरा लगता है और एक दिन पर्सी अपने पेरेंट्स को बिना इन्फॉर्म किए ही मैडी को घर पर इन्वाइट कर देता है। पर्सी के पेरेंट्स मैडी को देखकर ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो मैडी से पहली बार मिले हों। इसी बीच पर्सी के पास एक कॉल आता है और वो बाहर आ जाता है। यहाँ उसका दोस्त कुछ टूल्स वगैरह लेकर आया था। दरअसल पर्सी मैडी को मिलने वाली कार को खराब करना चाहता था इसलिए ये दोनों दोस्त इस कार को बुरी तरह से तोड़ देते हैं। इसके बाद पर्सी मैडी के पास बेडरूम में आता है और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है। मैडी भी तैयार हो जाती है और पर्सी जल्दी से कपड़े उतार कर मैडी के करीब आ जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन फिर पर्सी मैडी को बताता है कि उसे अपने पेरेंट्स के प्लान के बारे में पता चल चुका है और ये भी कि तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही थी। मैडी पर्सी को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब मुझे मजबूरी में करना पड़ा लेकिन पर्सी मैडी की बात नहीं सुनता और उसे अपनी जिंदगी से जाने के लिए कह देता है। पर्सी के पेरेंट्स अपने बेटे को चेंज देकर उसे वही टूटी फूटी कार गिफ्ट में दे देते हैं और मैडी कार लेकर वहां से चली जाती है और एक बार में काम करने लगती है। एक दिन पर्सी के पास एक आदमी आता है जो बताता है कि टैक्स के रेट हाई हो गए। मैडी घर को बेचने का फैसला करती है। मैडी को अपनी गलती का एहसास था इसलिए वो एक दिन पर्सी से मिलने यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है और सॉरी कहती है लेकिन पर्सी मैडी को इग्नोर करके कार में बैठ जाता है। मैडी भी इसकी कार के ऊपर बैठ जाती है और पर्सी कार लेकर समुन्द्र किनारे पहुंच जाता है और यहाँ मैडी पानी में गिर जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बात करते हैं। मैडी से समझाती है और लास्ट में सब ठीक हो जाता है। मैडी बताती है मैंने घर भेज दिया है और अब मैं कैलिफोर्निया जा रही हूँ। इसके बाद पर्सी भी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपना सारा सामान लेकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। बाहर मैडी खड़ी होती है जो इसे गुड बाय कहने आई थी और दोनों गाड़ी में बैठकर यहां से चले जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो।